एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके लिप्स ब्लैक हैं, ड्राई हैं और आप पिंक लिप्स चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर आप लड़का है या लड़की, आप दोनों ही इन रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको तीन रेमेडीज बताऊंगी, तीनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। तो फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए रोज वाटर, शहद, हल्दी, कच्चा दूध और नींबू का रस। अब हम एक बॉल ले लेंगे। इस बॉल में हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच कच्चा दूध, आधा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी सी हनी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बट इसमें कुछ स्टोर करने जैसा है नहीं, आप डेली फ्रेश बना सकते हैं। अब मैं इसे यूज करके बताती हूँ। आप इस पेस्ट को अच्छे से लिप्स पर लगाएं, 2 मिनट तक मसाज करें और फिर पानी से धो लें। हल्दी से होठों का कालापन दूर होता है। दूध में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो लिप्स को सॉफ्ट करता है। नींबू के जूस में सिट्रस होता है जो टैन को साफ करता है। हनी लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और गुलाब जल लिप्स को नेचुरली गुलाबी बनाता है। आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए बीटरूट, जिसे चुकंदर कहते हैं। बीटरूट ना सिर्फ चेहरे को गुलाबी रंगत देता है बल्कि होठों का भी कालापन दूर करता है, होठों को गुलाबी बनाता है और सॉफ्ट करता है। चुकंदर को हम मिक्सी में ग्राइंड करके इसका रस निकालेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी इसका रस निकाल सकते हैं। बीटरूट में विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चुकंदर में रेड कलर नेचुरली होता है जिससे होठ गुलाबी बनते हैं, इससे होठों का कालापन दूर होता है। अब हम इसे छान लेंगे, इसका रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो चुकंदर के टुकड़े से भी लिप्स की मसाज कर सकते हैं और जूस निकालकर भी इसे यूज कर सकते हैं। जूस निकालकर आप इसे 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 2 से 3 बार दिन में इसे लगाएं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 2 चम्मच देसी घी, चुकंदर होठों को गुलाबी बनाने के लिए मेडिसिन का काम करता है। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये होठों का कालापन दूर करता है, साथ साथ उसकी ड्राइनेस भी दूर करता है। थर्ड रेमेडी के लिए हमें चाहिए चीनी, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा बारीक कर लिया है, नींबू का रस और ग्लिसरीन। अब हम चीनी में थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे, आधा चम्मच, और आधा चम्मच नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्क्रब हमारा रेडी है। चीनी लिप्स को स्क्रब करेगा, लिप्स की डेड स्किन रिमूव करेगा, ग्लिसरीन लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा और नींबू का रस ब्लैक पिगमेंटेशन को कम करेगा। इसे अपने लिप्स पर लगाएं और 2 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करें और फिर धो लें। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। डार्क लिप्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडीज हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। खूबसूरत चेहरे के साथ साथ सुंदर और गुलाबी होठों का होना भी जरूरी है, तो आप ये टिप्स जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।